रणबीर कपूर की रामायण मूवी जो है हमारे सामने बहुत जल्द आने वाली है। रामायण मूवी से जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था, रामायण मूवी में हमें रणबीर कपूर राम के रोल में और सनी देओल बजरंग बली के रोल में, साई पल्लवी सीता के रोल में हमें नजर आएंगे, रॉकी स्टार रावण के रोल में नजर आएंगे। मूवी को कुछ नेक्स्ट लेवल पे की किया गया है। मूवी का अमाउंट जो है 2024 की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़े अमाउंट की मूवी है, सबसे बड़े अमाउंट की यानी कि 600 करोड़ की मूवी से ऊपर की है, शायद 600 से 650 करोड़ के बीच की मूवी है। तो यहाँ रणबीर कपूर से उम्मीदें लगाई जा रही है कि भाई राम के रोल में, जैसे कि पहले भी यानी कि जादू शक्ति वाली एक दो मूवी किया है रणबीर कपूर और पूरी तरह से हिट भी हुए हैं, यानी कि चार चांद लगाते हुए नजर आए हैं, इसलिए रणबीर कपूर से उम्मीदें थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर की जा रही है। रणबीर कपूर हमेशा अलग करने के लिए प्रचलित होते हैं, बेहतरीन करने के लिए प्रचलित होते हैं और इनकी मूवियों में जान होता है भाई, ये चीज हम बिल्कुल कहेंगे, मूवियों में जान होता है रणबीर कपूर की। एक नई जनरेशन के हीरो हैं हम, सलमान शाहरुख और अमिताभ बच्चन के जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, नई जनरेशन की बात कर रहे हैं जो उभरते हुए सितारे हैं और इनके आइट साइड में भी अभी कोई, अभी तक तो कोई नहीं आया, आगे को नहीं कहा जा सकता, अभी तक तो इनकी टक्कर की, इनकी जनरेशन के साथ में इनकी टक्कर देने वाला कोई भी ऐसा हीरो नहीं है। फिलहाल रणबीर कपूर की इस मूवी से लोग भी काफी प्रशंसा रख रहे हैं, लोगों का हालांकि कुछ निगेटिव क्वेश्चंस थे जहां पर लोगों का कहना था कि शायद इस मूवी को आदि पुरुष जैसे हमारे सामने ना दिखाई जाए, लेकिन आप लोगों के टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आदि पुरुष जैसी कोई भी सीन आप लोगों के सामने नहीं डाली जाएगी क्योंकि आदि पुरुष मूवी से ही इंस्पायर हो करके रामायण 2 को बनाया जा रहा है, हालांकि रामायण के कुछ मेन मेन स्टोरियों को काट करके आप लोगों के सामने रखा जाएगा जो कि बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट करने वाली है। लेकिन जो भी होगा दिलचस्प नजारे होंगे, आप लोग क्या कहना चाहेंगे रामायण मूवी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।